देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। एक पल तो था यहां, एक नजर की आग से, एक जहां झुलस गया, एक जहां झुलस गया, सब झुलस गया। स्वामी जी, और कितने दिन मुझे अग्नि परीक्षा देनी होगी और कितने दिन मुझे इन परेशानियों के साथ जीना होगा? ये मेरा लोक है, ये मेरी दुनिया है, मुझे धरती पर जीने की कोई लालसा नहीं है। मैंने नागमणि प्राप्त कर ली है, नागमणि को चोरी करने वाले उस दुष्ट का संहार भी हो चुका है। सब कुछ हो गया है तो फिर मैं ये प्रतीक्षा क्यों भुगत रही हूँ? भुगतना पड़ेगा, तुमने जो गलतियाँ की है उसके लिए तुम्हारी यही सजा है। मेरी क्या गलती है स्वामी जी, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई? संयम खो बैठी थी तुम। जब नागमणि प्राप्त हुई तब अगर तुम में नागमणि को नागराज को स्पर्श कराने का संयम होता तो आज उसकी याददाश्त वापस आ गई होती, उसे अपने पिछले जन्म के बारे में सब कुछ याद आ जाता, हमारे लोक की अमानत हमारे पास वापस आ जाती। तुम्हारी इस एक गलती की वजह से तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई हो जानती हो? त्रिविक्रम को मैंने ही मारा, मेरे पिताजी को भी मैंने ही खुद मार दिया। छी, ये मुझसे क्या हो गया है? हे भगवान। त्रिशूल, त्रिशूल तुम यहां क्या कर रहे हो बेटा? क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो बेटा? ऐसा कुछ नहीं है पिताजी। मालिक कहाँ है? तुम्हें कुछ पता है? उन्होंने कुछ बताया था क्या तुम्हें? बेटा तुम उनसे मिले थे क्या? वो तुमसे मिलने के बारे में बात कर रहे थे। वो मिले होंगे ना तुम्हें, बताया होगा ना कि वो कहाँ जा रहे हैं? वो कहाँ है बेटा? त्रिशूल, हाँ मुझे बताओ बेटा क्या बात है? वो मिले थे लेकिन फिर चले गए। कहाँ चले गए? कहाँ गए कुछ बताया नहीं, मैं और शिवानी फिर वहां से घर वापस आ गए। ठीक से याद करो बेटा, उन्होंने बताया होगा ना कि वो कहाँ जा रहे हैं? बोलो बेटा। मुझे कुछ नहीं पता पिताजी, पहले ही मैं किसी दूसरी बात से परेशान हूँ और आप सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, बार बार एक ही बात मत पूछिए। त्रिशूल, त्रिशूल, ये मेरा बेटा दिग्विजय के बारे में पूछने पर अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है? दुख परेशानी समस्याओं के साथ मैंने बहुत जी लिया, अब मैं आदिशेष को लेकर नागलोक वापस लौट आती हूँ स्वामी जी। ये असंभव है, मानव त्रिशूल के लिए नागलोक में आना निषेध है, इसलिए उसे अपने पिछले जन्म के बारे में याद आना चाहिए, फिर नागमणि स्पर्श करके वो आदिशेष के रूप में परिवर्तित होना चाहिए, केवल तब ही वो नागलोक में प्रवेश कर सकता है। जानती हो तुम्हारी हड़बड़ी से कितनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है? स्वामी जी अब क्या होना बाकी है? संकट, अब भी अगर तुमने संयम नहीं दिखाया तो महासंकट। तुम्हारी इस गलती की वजह से संपूर्ण नागलोक का नाश भी हो सकता है। क्या इन सब का कोई उपाय नहीं है? उपाय है लेकिन ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो। तो फिर बताइए स्वामी जी, मैं अपने आदिशेष को वापस नागलोक लाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ? अगर ऐसा है तो तुम्हें आदिशेष को याद दिलाना होगा। अगर तुम्हारे द्वारा आदिशेष सच सुनने तैयार नहीं है तो तुम्हें दूसरा मार्ग चुनना होगा और वो है प्यार का मार्ग। तुम्हारा प्यार साधारण नहीं है, जन्मों जन्मों का प्यार है। तुम दोनों के बीच अगर प्यार बढ़ जाए तो उसे अपना पिछला जन्म अपने आप याद आ जाएगा। ये होगा तो ही तुम दोनों यहाँ लौट सकते हो, लेकिन ये इतना आसान नहीं है।
ये काम करते हुए तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए ध्यान रहे। मैं कितना बड़ा पापी हूं, क्या पाप कर दिया मैंने जो पिता मुझे इस दुनिया में लाए, उसी पिता को मैंने अपने हाथों से मार दिया। जी भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? इन्हीं हाथों से मैंने उन्हें मार दिया। जय भोलेनाथ। स्वामी जी, जय भोलेनाथ। पश्चाताप, पाप पुण्य, पाप भीति। जिसने जीवन दिया उसी का जीवन लेने की परेशानी तुम्हें, जिसने इस दुनिया की रोशनी दिखाई उसे मारने का पश्चाताप हो रहा है। स्वामी जी, आपको कैसे पता चला? मैं सर्व अंतर्यामी हूँ, उस रणधीर के अंश हो तुम, उस संतानवासी का दूत हूँ मैं। जिंदगी के बारे में, मौत के बारे में, इन दोनों के बीच होने वाले सारे क्रियाकलापों को जानता हूँ मैं। जानता था कि उसकी मौत तुम्हारे हाथों होने वाली है, ये सब मैं पहले से जानता था। ये सब क्या है स्वामी जी? आप सब कुछ पहले से ही जानते थे? अरे इससे पहले आप कितनी बार मुझसे मिले हैं? तभी अगर आप मुझे ये सब बता देते तो शायद मुझसे ये खून नहीं होता। अगर मैं तुम्हें बताता या ना भी बताता, तुम्हें पता होता या ना भी पता होता, तब भी उसकी मृत्यु सिर्फ तुम्हारे ही हाथों लिखी हुई थी। स्वामी जी, क्या मैंने गलत किया? सही क्या है, गलत क्या है, ये बस हमारे देखने का नजरिया होता है। ठीक है, अब कहिए मुझे क्या करना है? हाँ, मेरे लिए क्या करना ठीक होगा, क्या गलत होगा, मेरा लक्ष्य क्या है? तुम और तुम्हारी पत्नी अर्धनारेश्वर जैसे रहोगे तो अपने प्रेम से पूरी दुनिया जीत लोगे। तुम्हें अपनी पत्नी के द्वारा ही सारी सच्चाई का पता चलेगा। उसके साथ प्यार से रहो, उसे खुश रखो, उसे आनंदित रखो। उसके साथ तुम जैसा व्यवहार करोगे तुम्हारा भविष्य वैसा ही होगा। तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारे सवालों का जवाब है। स्वामी जी, मुझे आपकी बातें जल्दी समझ जाओगे। जय भोलेनाथ। सब लोग आ गए ना? नंदीश, ये दिग्विजय कहाँ है? इसी विषय पर बात करने मैंने आप सबको यहाँ पर बुलाया है। मालिक कई दिनों से गायब हैं। उसे क्या है, पैसा है, जब मर्जी किया कहीं भी घूमने निकल जाता है। नहीं नहीं, मालिक जब भी कहीं जाते हैं तो मुझे बताकर ही जाते हैं, पर इस बार नहीं बताया। मैंने कई बार फोन भी किया लेकिन फोन नहीं लग रहा है। आखिरी बार उन्होंने तुमसे क्या बात किया था नंदीश? उन्होंने और कुछ नहीं, नागमणि के बारे में कहा था। मेरी बस उनसे यही बात हुई, फिर वो गायब हो गए। ये नागमणि संबंधित विषय में वो सबसे ज्यादा किससे बात करता था? क्या नाम है जो मदद करता था? वो भैरव बाबा। तब तो उन्हीं से जाकर पूछते हैं। चलो फिर उन्हीं के पास चलते हैं। ये क्या है भाइयों, ये जगह तो कितनी अजीब है। ए नंदीश, तुम कह रहे थे कि दिग्विजय यहाँ पर आता था? यहाँ पर ना तो दिग्विजय है और ना ही बाबा है। अरे भाइयों, नागमणि की शक्तियों को आधीन कर कहीं दोनों भाग तो नहीं गए ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे मालिक ऐसे नहीं है, वो ऐसा नहीं करेंगे।
हम नाग लोग से हैं और ये तुम्हें ही समझना होगा। जल्द से जल्द मुझे तुम्हारे और करीब आना होगा। पूरी तरह से तुम्हें आदिशेष बनना होगा और उसके बाद नागमणि के साथ हम अपनी दुनिया में वापस लौट जाएंगे। हम लोगों को हमारी मदद के लिए कोई महाशक्तिशाली तांत्रिक चाहिए था ना, मैं तुम्हें उसी के पास ले जा रहा हूँ। चलो भूपति, ऐसे गुरुजी हमें इस जंगल में कहाँ मिलेंगे? महातपस्वी कभी इंसानों के बीच में नहीं रहते हैं, प्रकृति में वास करते हैं। वो महाशक्तिशाली गुरुजी इसी जंगल में कहीं पर बैठते हैं। उन्हें ढूंढ कर अगर हम उनके पैरों पर गिरकर रोना शुरू कर दें तो हमारा काम झट से हो जाएगा। लेकिन उन्हें ढूंढने कहाँ, किससे पूछें हम? इससे पूछते हैं। रुकिए जरा सुनिए, वो महास्वामी गुरु इसी जंगल में कहीं रहते हैं ना? हाँ, इसी जंगल में। स्वामी जी मतलब नाटक करने वाले स्वामी जी या तंत्र मंत्र करने वाले स्वामी जी? अपने हाथों में भूत पिशाचों के साथ खेलने वाले स्वामी जी, उनके विरुद्ध खड़े होने वालों का नाश करने वाले स्वामी जी, वो वामाचार में बहुत पहुंची हुई चीज है। तंत्र में, मंत्र में, विद्याओं में उनकी तपस्या महान है। यम के साथ भी लड़ सकते हैं हमारे स्वामी जी। माने तुम्हारे स्वामी जी कहाँ मिलेंगे हमें? वो आपको अकारी पहाड़ के गुफाओं में मिलेंगे। क्या हुआ शिवानी, तुम क्या सोच रही हो? तुम्हारे अलावा मैं और क्या सोच सकती हूँ? तुम्हारा प्यार बस हमेशा मेरे साथ ही रहे, भगवान से यही प्रार्थना करती रहती हूँ। मेरी बातें, मेरा प्यार, तुम्हें समझ में आता है ना त्रिशूल? मेरे मन में हजारों सवाल घूम रहे हैं। सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते मैं खुद ही ये भूल गया हूँ कि मैं किस चीज का अर्थ ढूंढ रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं जान गया हूँ शिवानी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भगवान से यही मांगता हूँ हमारा प्यार जैसा अभी है हमेशा ऐसा ही रहे। तुम हमेशा मेरे साथ ही रहो, सिर्फ इसी जन्म में नहीं, चाहे मैं जितने भी जन्म ले लूं। तुमने बिल्कुल सही कहा त्रिशूल, सिर्फ इस जन्म में नहीं, हर एक जन्म में तुम सिर्फ मेरे ही रहोगे। तुम्हारा प्यार सिर्फ मेरा है और मेरा सिर्फ तुम्हारा। शायद यही गुफा हो सकती है, दंड यही है, वो जरूर अंदर ही होंगे, बाहर आने का इंतजार करते हैं। ए, बाहर आने का इंतजार क्यों करना है, मैं ही अंदर जाकर उन्हें ले आता हूँ। ए, ए, तुम जाओगे तो अंदर, लेकिन पहुंच जाओगे ऊपर, यही खड़े रहो। त्र्यंबक गुरुजी महाशक्तिशाली थे, जो वो कर सकते थे वो ये कैसे कर पाएंगे? अगर इनमें इतनी शक्ति है तो अभी के अभी प्रकट होकर दिखाएं। हमारा प्यार ऐसा ही रहेगा ना शिवानी? रहना ही पड़ेगा त्रिशूल, जब तक हम दोनों जिंदा हैं, हमारा प्यार ऐसे ही रहेगा। मेरी जिंदगी का प्यार, शक्ति, सच्चाई, सब तुम और हमारा बच्चा है शिवानी। मैं ये जानता हूँ शिवानी, लेकिन मेरे मन में जो सवाल है इन सब के बीच, पिताजी की मौत, मैं एक बेटा होकर पिताजी की मौत की वजह बन गया और अब उनके अंतिम संस्कार ना कर पाने की तकलीफ, इस सब से मुझे मुक्ति चाहिए शिवानी। हर जगह हर पल पिताजी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा है, मैं क्या करूं मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तुम फिक्र मत करो, हम आज ही अंकल के मरने के स्थान पर जाकर वहां
अंतिम संस्कार की पूजा करके आते हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। भूपति, ये आप हमें कहाँ ले आए हैं? ये तो त्रियंबक गुरुजी हैं। ए, ध्यान से देखो, रूप बदल गया है, लेकिन ये त्रियंबक गुरुजी ही है। ए, उस धोखेबाज का नाम भी मत लो। मैं वो नहीं हूँ। मैं तक्षक हूँ। लेकिन गुरुजी, आप और वो दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो फिर ये कैसे? ये किस्मत का खेल है। मैं त्रयंबक का भाई तक्षक हूँ। हम दोनों ने नागमणि का सपना देखा था। एक दिन वो मुझे धोखा देकर मुझे छोड़कर चला गया। मुझे भी उसी की तरह नागमणि हासिल करने का मोह था। इसलिए हिमालय जाकर मैंने विद्या प्राप्त की। वैसे तुम सब यहाँ क्यों आए हो? हम सब भी यहाँ पर नागमणि के बारे में जानने ही आए। नागमणि की चोरी करने वाले हम ही थे। त्रियंबक गुरुजी ने हमारा मार्गदर्शन किया था और हम सबके मुखिया थे मेरे मालिक। वो खुद अभी गायब हैं गुरुजी। सबसे पहले उन्हें ही ढूंढना है और साथ ही नागमणि को भी। आप हमारी मदद करेंगे ना? त्रिशूल, मन में प्रार्थना करो कि उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। क्या कहूं, क्या सोचूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी वजह से आपकी मौत हो गई, मुझे माफ कीजिए पिताजी। तुम्हारी लालसा की वजह से तुम्हारी मौत हो गई। आदिशेष के तुम्हें मारते ही तुम्हारे इस जन्म के सारे पाप धुल गए। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। अब अगले जन्म में इस जन्म की तरह बुरे इंसान बनकर मत पैदा होना। मैं तुम्हारा काम करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा काम करूं, तो मुझे नियंत्रित मत करना। नागमणि प्राप्त होते ही नागमणि को मुझे सौंपना होगा। उससे मिलने वाली शक्तियां मैं तुम में बांटूंगा। तुम्हें अगर मेरी ये शर्त मंजूर है और तुम में से किसी के मन में धोखेबाजी की भावना नहीं है, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। हाँ गुरुजी, अब हमें शर्तें मंजूर हैं। हम कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे गुरुजी। ऐसा है तो सब वचन दो। जिसे मैं हासिल करना चाहता हूँ, उसे आप बांटने के लिए कह रहे हैं। पहले हासिल तो कर लूँ, फिर क्या करना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्या मतलब है? क्या मेरा सबसे बड़ा शत्रु अब तक जिंदा है? ओम नाग देवाय, नाग नेत्राय, नागक्षाय नमो नमः। नाग नक्शे जाओ और मेरे सबसे बड़े दुश्मन का मृत देह कहाँ है ये बताओ। नाग नक्शे ने काम क्यों नहीं किया? मतलब उसका मृत देह यहाँ पर नहीं है, या फिर
उस देह में वापस प्राण आ चुके हैं। चलो शिवानी चलते। शिवानी ये क्या, ये इसका रंग कैसे बदल गया? वो हमने पूजा की है ना, तो वो भगवान ने स्वीकार कर लिया है, उसी का संकेत है, आत्मा को शांति मिल गई है। जो चले गए हैं उनको तो शांति मिल गई, लेकिन जिंदा लोगों का क्या? चलो चलते हैं शिवानी। वो मर गया है या किसी ने दुष्ट शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे पुनः जीवित कर दिया है, आखिर क्या हुआ होगा? यहीं कहीं इच्छाधारी नाग मौजूद है। नंदीश, मेन रोड यहाँ से कितनी दूर है? मुझे डर लग रहा है। ए, थू, चुप हो जाओ, डरने जैसा कुछ नहीं है, स्वामी जी है ना, फिर किस बात का डर? स्वामी जी के पास मंत्र दंड है, हमारे पास क्या है? माँ ज्वाला मालिनी हमें रास्ता बताएंगी। मुझे यहाँ कोई खतरा महसूस हो रहा है। त्रिशूल, इस रास्ते से नहीं जाएंगे, चलो वहां से चलते हैं। हाँ, तो रास्ता बदल दिया। माँ ज्वाला मालिनी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगी, वो हमारी मदद जरूर करेंगी। दुश्मनों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है और वो दुश्मन कभी भी तुम पर वार कर सकते हैं। मतलब मुसीबत का संकेत बिल्कुल सही था, मेरे सबसे बड़े दुश्मन दिग्विजय की लाश अगर वहां पर नहीं है तो इसका मतलब कहाँ है वो लाश? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो जिंदा है या मर चुका है? अगर मरा है तो उसका शरीर वहीं होना चाहिए था, पर वहां नहीं था। और अगर जिंदा है तो उसे घर लौट आना चाहिए था, ये भी तो नहीं हुआ। मतलब वो शायद जिंदा भी नहीं है और मरा भी नहीं है, आखिर बात क्या है भगवान? मैं सच का पता कैसे लगाऊं? मेरे पेट में नागमणि है, नाग लोक की अमानत है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। त्रिशूल को याद भी नहीं आ रहा कि वही आदिशेष है जो कि मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। इन सबके बीच उस दिग्विजय का शरीर लापता हो गया है, क्या यह किसी बड़ी मुसीबत का संकेत है? मैं क्या करूं? मैं सच्चाई का पता कैसे लगाऊं? आखिर क्या हुआ होगा, कहां चला गया वो? किसी ने यहां पर आप परिहार क्रिया की है, अभी पता चल जाएगा। ओ ज्वाला मालिनी, ज्वालामुखी हारणी, वन दुर्गा रक्तेश्वरी रुंड मालिनी। महामांत्रिक भैरव बाबा, तुम सबके रक्षक, मैं जहां खड़ा हूं ये उनका मृत्यु स्थल है। गुरुजी, किसने मारा बाबा को? तो फिर मेरे मालिक गायब है, नागों के साथ युद्ध करके अभी उसका आता पता नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? मेरे मालिक समझ में नहीं आ रहा, ज्वाला मालिनी कुछ संकेत नहीं दे रही हैं। स्वामी जी, इसका मतलब भैरव बाबा की कातिल वो नागिन ही है। सिर्फ नागिन नहीं, उसके साथ एक नाग भी था। नाग का रूप कैसा है गुरुजी? एक
स्वर्ण रंग की स्त्री नाग है और दूसरा लाल रंग का पुरुष नाग है। हाँ, इन्होंने भैरव बाबा को मारा है। गुरुजी, एक काम करते हैं, जैसे यहाँ आते ही यहाँ का वातावरण देखकर आपने सब बता दिया, वैसे ही नागमणि की जगह पर जाकर वहाँ का वातावरण देखकर आप हमें सब बता दीजिएगा। उत्तम विचार। अब हमें सबसे पहले नागमणि की जगह पर दिग्विजय का पता लगाना होगा। वो मिल जाएगा तो तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। मैं उन नागों को चैन से जीने नहीं दूंगा। ओम ज्वाला मालिनीये नमः। अरे यार, ना जाने कौन मिस कॉल दे रहा है। कॉल करने पर बिजी आता है। अरे फिर मिस्ड कॉल देना ही क्यों है। गोविंद, तुम्हारे जीजा जी का फोन तो नहीं ना। ये क्या बात हुई। अरे जब वो मेरे पास हो तब भी मुझसे सही ढंग से बात नहीं करते, और अब मुझसे कॉल करके अपने पैसे बर्बाद करेंगे। अच्छा मजाक कर लेती हो। दमयंती, इससे पूछने का क्या फायदा। अरे जब दिग्विजय दो दो हफ्तों के लिए दूर जाता था तब तो उसने एक भी कॉल नहीं किया। ये नई बात नहीं है, दिग्विजय घर आ जाएगा, और किससे पूछ रही हो तुम। बिल्कुल सही कहा, जीजा जी मंदिर या कहीं और गए होंगे। कॉल करने से कुछ नहीं होगा, कॉल करेंगे यहाँ आ जाएंगे। क्या जाता है उनका अपनी बीवी को एक फोन करने में। आखिर हम क्या समझे, कहाँ गए होंगे, कैसे होंगे वो। आओ शिवानी बैठो, तुम पेट से हो ना। गर्भवती लड़की को बहुत कुछ खाने का मन करता है, कभी खट्टा खाना है कभी मीठा खाना है, और एक तुम हो ऐसा कभी कुछ खाने के लिए नहीं कहती। भूख लगे तो खाने का मन होना दादी, मतलब अभी कुछ खाने की इच्छा शुरू नहीं हुई। त्रिशु क्यों ना तुम इसे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाओ, डॉक्टर बताएंगे कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और फिर स्कैनिंग भी करा लेना। हाँ माँ, पूजा के काम में बिजी हो गया था ना, ले जाता हूँ। त्रिशूल आज ही ले जाओ इसे, ऐसी बातों में देर नहीं करते। हाँ दादी, आज ही लेके जाऊंगा। शिवानी जल्दी रेडी हो जाओ। त्रिशूल आगे रोकना ना जरा, वहाँ मंदिर है, भगवान के पैर पड़ के आती हूँ मैं। हाँ ठीक कर दीजिए प्रभु, मेरे इस धरती पर आने का लक्ष्य जल्द से जल्द पूरा हो जाए अब। हे भगवान, मैं दुख पाप प्रज्ञ बेचैनी मुसीबतों से घिरा हुआ हूँ। इन सब से बढ़कर कई सारे सवाल मुझे परेशान कर रहे हैं, इन मुसीबतों से मुझे मुक्ति दीजिए। त्रिशूल प्रदक्षिणा करके आती हूँ। हाँ। अब बहन जी वहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? अच्छा वो गुरुजी, वो बहुत बड़े गुरुजी हैं, सबका भविष्य बता रहे हैं।
वो जादू टोना सब करते हैं, इससे पहले ऐसा सिद्ध पुरुष नहीं देखा। वेशभूषा बातें सब अलग है, लेकिन इंसान वही है। यहाँ क्यों आया होगा ये? तुम्हारा विवाह जल्द हो जाएगा। सपने, हजारों सपने, मन भर सपने, अतृप्त आत्मा का जीवन। आओ हाथ दिखाओ, देखते हैं ज्वाला मालिनी क्या कहती हैं। नहीं, मैं अपना हाथ नहीं दिखा सकती। ऐसे किसी को भी हाथ नहीं दिखाते। बुद्धिमान हो जाओ, सारी बेचैनी कम हो जाएगी। ये यहाँ कैसे आ सकता है? मुझे देखकर भी इसने मुझे पहचाना नहीं क्या? क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? तुम कौन हो? मेरे मन के अंदर ज्वाला मालिनी का आशीर्वाद है। एक बार जिसका चेहरा देख लिया तो मैं उसे भूलता नहीं। मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा है, तुम्हारी आवाज भी कहीं पर नहीं सुनी है। तुमने क्या मुझे कहीं देखा है? कभी मेरी आवाज सुनी है क्या तुमने? नहीं तो ऐसा लगा जैसे मैंने आपको कहीं देखा है, बस इसलिए मैंने पूछा। ज्वाला मालिनी का आशीर्वाद है तुम पर, जाओ। मरा हुआ इंसान लौट कर कैसे आ सकता है? इसका यहाँ आना और दिग्विजय का गुम हो जाना, क्या इन दोनों के बीच कोई संबंध है? ये मुझे पहचान कैसे नहीं पाया? रीना, अब आंखें खोलो। वाह, अमेजिंग। ओह माय गॉड, अजीत, हम दोनों कहाँ हैं? ये कौन सी जगह है? मंदारगिरी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। इतनी खूबसूरत जगह, मैं अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत जगह देख पाऊंगी कभी नहीं सोचा था। अजीत, धरती पे इतनी सुंदर जगह भी है क्या? ये जगह धरती पर नहीं है रीना, ये धरती से बाहर है। रीना वहाँ देखो, वहां से दाएं में किन्नर लोक है और वहां बाईं तरफ गंधर्व लोक है और यहां से सीधा जाओगी तो गरुण लोक है। मतलब तुम्हारा लोक। रीना, यहां पर सभी लोक वाले आराम करने आते हैं और मैं बस यहीं तक आ सकता हूं। इसके आगे तक जाने की मुझे अनुमति नहीं है। पर क्यों? वो कुछ नहीं, छोड़ो। अच्छा, इतनी खूबसूरत जगह छोड़ के हमारी धरती पे क्यों आए? अपनी प्रेमिका को ढूंढने के लिए। कैसे पता चला कि तुम्हारी प्रेमिका धरती पे है? वो बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरा सुनने का बहुत मन है। समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पहले हमारी शादी तो हो जाने दो। पापा अभी बाहर गए हुए हैं, वो जैसे आएंगे हम अपने प्यार के बारे में बता देंगे, शादी कर लेंगे। अजीत, किस सोच में पड़ गए तुम? हाँ, वो
सोच रहा था कि शादी के बाद चंद्रलोक जाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या तुम मुझे दीना? एक मिनट, कहाँ हो तुम? मालकिन मैं बाहर हूँ। मालिक भी तुम्हारे साथ है? नहीं मालकिन, मुझे कुछ काम था इसलिए अकेले आया हूँ। अच्छा, उन्होंने तुम्हें फोन किया था क्या? कुछ बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं? मैंने बताया तो था, मैं घर पर ही उनसे मिला था, उसके बाद ना उनका फोन लगा और ना ही वो कहीं दिखाई दिए। ठीक है नंदिश, मुझे लगा शायद उन्होंने तुम्हें फोन करके बताया हो। मालकिन अभी मैं किसी काम से बाहर आया हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। नंदिश भी कुछ नहीं जानता है माँ, ये कहाँ गया होगा? मुझे तो लगता है उसे जरूर कोई प्रॉब्लम है और वो हमें कुछ बताना नहीं चाहता। बहू पेट से है शायद, इसलिए डरता होगा उसे कुछ हो न जाए, कहीं कुछ कह दिया तो उसे दिल पे ले लेगी और उसे बुरा भी लगेगा। दिग्विजय कहाँ चला गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। त्रिशूल आ गई, चले। मैंने उन्हें देखा। किसे? त्रयंबक स्वामी जी को। वो कौन है? अरे वही त्रिशूल जो बार बार हमारे घर में पूजा करने के लिए आते थे, अब जिनके माथे पर वो गरुड़ का निशान था। हाँ, क्या वो यहाँ आए हैं? जहाँ तक मुझे पता है वो घर के बाहर बहुत कम निकलते हैं। शिवानी, मुझे लगता है कि तुमने किसी और को देखा होगा। नहीं त्रिशूल, मैं सच कह रही हूँ, मैंने उन्हीं को देखा, कोई गलतफहमी नहीं हुई। यही नीचे बैठे हैं। अच्छा ठीक है, तुम यहीं पे रुको, मैं जाकर देख कर आता हूँ। स्वामी जी, क्या आपने मुझे पहचाना? बोलो क्या काम है? मैं आपको पहचानता हूँ स्वामी जी, आप कई बार हमारे घर पूजा करने आए हैं। कौन सा घर, कौन सी दिशा, कौन हो तुम? स्वामी जी मैं हूँ दिग्विजय का बेटा। तुम दिग्विजय के बेटे हो सकते हो ये सत्य है, लेकिन मेरे बारे में जो जानकारी है वो गलत है। मैं त्रयंबक नहीं हूँ, तक्षक हूँ। लेकिन देखने में आप दोनों एक जैसे हैं, लेकिन नाम अलग हैं। पता नहीं ऐसा क्यों कह रहे हैं। स्वामी जी, क्या मेरे पिताजी की तलाश में यहाँ आए हैं? मैं किसी की तलाश में नहीं आया हूँ, लेकिन लोग मेरी तलाश में आते हैं। विजयी भव, जाओ, अब अच्छा होगा। देखो वहां पर तुम्हारे गुरुजी जा रहे हैं। गुरुजी, 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 मेरी बात तो सुनिए। गुरुजी आपको मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा, हम थक गए हैं। गुरुजी अब बिना कुछ कहे इस तरह चले जाना अच्छा नहीं होता है। मैं तक्षक हूँ, महान साधक हूँ, शाकनी डाकिनी यक्षिणियों का आराधक हूँ। सारी शक्तियां मुझ में है, किसे किस तरह जीना है ये मैं दूसरों को बताता हूँ, लेकिन कोई मुझे नहीं बताएगा। ये बात सब समझ ले तो अच्छा है। सुनिए, ये यहाँ कैसे पहुंच गई? मैं अभी आता हूँ। त्रिशूल, क्यों इतने बेचैन हो रहे हो? बाप बनने जा रहा हूं मैं, तो क्या होने वाले बाप को अपने बच्चे को देखने की एक्साइटमेंट नहीं रहती? शिवानी, हमारा छोटा सा प्यारा सा बच्चा कितना क्यूट होगा ना। उसके हाथ पैर अभी इतने छोटे से होंगे और उसकी नाक कितनी सी होगी। मैं बस
उसे देखने का इंतजार कर रहा हूँ शिवानी। लेकिन इतनी देर हो गई है, उन्होंने बुलाया क्यों नहीं? हर चीज का समय होता है त्रिशूल, इतना उतावलापन क्यों दिखा रहे हो तुम? या शिवानी कौन है? मैं नहीं, मतलब ये आप इन्हें स्कैनिंग के लिए बुला रही हैं? हाँ सर हाँ। ओके ओके ओके, डॉक्टर बुला रहे हैं मैडम, आइए। चलो 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 चलो, जल्दी चलो। आराम से शिवानी। मैडम आपकी शादी हुई है क्या? नहीं सर, पर क्यों? सुपर, तो फिर जल्दी हो जाएगी और आपको बेटा होगा मैडम, क्योंकि शिवानी को बेटे बहुत पसंद है। आपने स्कैनिंग के लिए जल्दी बुलाया ना, इसलिए थैंक्स। बच्चे के नामकरण के लिए मुझे बुला लीजिएगा प्लीज। हाँ थैंक यू। मधु तुम यहाँ क्या कर रही हो? मंदिर में लोग क्या करने आते हैं? अच्छा, तुम यहाँ पूजा के लिए आई हो, तो फिर पूजा अंदर चल रही है, तुम बाहर क्यों हो? जाओ जाओ। आप बताइए आप यहाँ क्या कर रहे हैं? घर पे सब आपके बारे में बात कर रहे थे। लेकिन क्यों, क्या बात कर रहे हैं? मालिक के बारे में बात कर रहे थे, वो जब भी बाहर जाते हैं आपको बता कर ही जाते हैं। मालिक कहाँ गए हैं, आपको बता के गए ना? बताइए ना, सब ठीक है ना? और हाँ, आप उस स्वामी जी के साथ मंदिर में क्या कर रहे हैं? अरे ये वो नहीं है, तुमने ठीक से नहीं देखा। मैंने ठीक से ही देखा है, उस दिन उन्होंने हल्दी लगा रखी थी और आज हल्दी नहीं है, सिर्फ माथे पे थोड़ी सी हल्दी दिखाई दी। और तो और, मालिक के दोस्त भी उनके साथ ही हैं। सब लोग मिलके क्या कर रहे हैं? थोड़ी देर चुप रहो बस, हमें इतनी टेंशन है, मालिक दिखाई नहीं दे रहे ना, उन्हें ढूंढने के लिए ही इन्हें बुलाया है। हे भगवान, मालिक को क्या हुआ है, कहाँ है वो? अरे वो कुछ नहीं हुआ उन्हें। नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। देखो तुम बेकार में टेंशन मत लो, समझी? मैं घर आकर सब बताता हूँ, जाओ अभी। नहीं आप कुछ छुपा रहे हैं, मैं अभी जाके मालकिन को सब बताती हूँ। मधु मधु रुक जाओ, मधु सुनो। बैठ जाइए। हाँ मैंने कहा बैठ जाइए। नहीं नहीं कोई बात नहीं मैडम, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। बैठ कर भी देख सकते हैं, बैठ जाइए। वो मैं अपने छोटे से बच्चे को पहली बार देखने वाला हूँ ना, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरे लिए खुशी का दिन है। हाँ मैं आपकी बात समझती हूँ, बैठ जाइए। ओके